फ्रेंड्स, मेरे पास एक केस आया था जो कि ड्रॉप एंड डाउन केस है। ये एम आई का 6A फ़ोन है जिसके अंदर कस्टमर ने जो बोला था कि ये हाथ से गिर गया था। तो आपने देखा होगा बहुत से सेट आते हैं MI 6, इसमें वाइट लाइट ब्लिंक होता है, तो इसमें वाइट लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था। तो कोई भी पोर्ट इसमें नहीं बना रहा था, तो वो मैंने वीडियो जो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे हमें चेक करना है कि कौन सी IC ख़राब है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें सेक्शन को चेक करना है कि कब हमारी पावर IC ख़राब होती है, कौन सी सप्लाई ना मिले तो उसमें आपको समझना चाहिए कि CPU ख़राब होता है, और कौन सी सप्लाई ना मिले तो उसमें लगे कि आपको इसमें पावर IC ख़राब है। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।
फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसमें सीपीयू लगा लिया है। तो हमें सीपीयू लगाने के बाद कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि हमारा जो फ़ोन है फुली सीपीयू तक ओके है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक क्लॉक वोल्टेज यहाँ पे आती है जो क्रिस्टल से मिलती है। यहाँ पे 0.89 के तकरीबन आनी चाहिए, क्योंकि क्लॉक पल्स होता है जो कि आपका क्रिस्टल से आता है। तो देखिए मैंने इसमें सीपीयू लगाने के बाद कैसे इसमें ट्रेसिंग किया है, तो मैं कैसे समझूंगा कि इसमें इतना सेक्शन ठीक है। तो पावर आईसी के पास एक टेस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे आप अगर 1.8 अगर वोल्टेज आपको मिलता है तो आप समझिए पावर आईसी आपका ओके है। और सीपीयू का जो एक टीपी पॉइंट होता है, वहाँ पे अगर 1.78 मिलता है तो समझिए सीपीयू हमारा ओके है। तो इस कंडीशन में देखिए जो मैंने आपको दो टेस्ट पॉइंट बताए हैं, तो वो दो टेस्ट की पॉइंट की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि सीपीयू मेरा ओके है या पावर आईसी मेरा ओके है। तो एक टेस्ट बेंच की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरी कौन सी आईसी ख़राब है। आपको कोई भी वोल्टेज देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली एक वोल्टेज चेक करिए तो आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं भी इसी स्टेप से काम करता हूँ, एक टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज चेक करूँ, आपको पता चल जाएगा कि आईसी कौन सा ख़राब है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कुछ भी ना चेक करता हूँ, मैंने दो वोल्टेज खाली चेक किए और मैं अब एएमसी को लगाऊंगा और हैंडसेट कैसे ऑन होता है ये भी आप देख लीजिए। सीपीयू लगाने के बाद आपको कुछ वोल्टेज जो है चेक करनी पड़ती है, तभी आपको ईएमसी के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर सीपीयू तक आपकी सप्लाई जितनी भी जो बननी चाहिए वो ओके है, तभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। क्योंकि सीपीयू अगर आपका ओके नहीं है तो आपका ईएमसी भी आपका काम नहीं करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सीपीयू को लगाने के बाद फिर से चेक करता हूँ।
फ्रेंड्स, मैंने अभी AMC को लगा लिया, तो मैं हैंडसेट को ऑन करता हूँ। तो चार्जिंग में लगाया है मैंने, देखिए लोगो भी आ चुका है चार्जिंग का। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, आप कभी भी काम करें, कोई भी IC बेस पर काम करें, वो IC जो आपने लगाई है वो IC ठीक है कि नहीं, उसका कोई भी एक टेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे। आप टेस्ट पॉइंट पर अगर आपको वोल्टेज मिल जाता है, जितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, तो आपको उस IC की नॉलेज हो जाएगी कि आपको ये IC ख़राब है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो फ़ोन है, चार्जिंग भी है, बैटरी भी उसका 90% के लगभग चार्ज है, तो उसको ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए एंड तक, देखिए कि मैंने जो इसका जो फॉल्ट मैंने कैसे ठीक किया इसको। तो फ्रेंड्स, MI 6 या फिर MI 6 का कोई भी फ़ोन आपके साथ आता है रिपेयरिंग के लिए, तो आपको इस तरह से चेक करना है। 2 वोल्टेज सप्लाई आप चेक करिए, उससे आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉल्ट कहाँ से है, CPU से है या फिर AMC से है या फिर Power IC से है। 3 IC, 3 टेस्ट पॉइंट और खेल ख़त्म। तो फ्रेंड्स, देखिए ये जो फ़ोन है ऑन होने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो इसका एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम लगता है उन्होंने में। तो कभी कभी अगर आपके फ़ोन में इस तरह से प्रॉब्लम है कि आपने फ्लैशिंग किया है या फिर अपने AMC को फिर लगाया है प्रोग्रामिंग करने के बाद, तो हैंडसेट काफ़ी लेट ऑन होता है, तो उसको एक बार हम रिबूट कर लेते हैं, उससे क्या है जल्दी फ़ोन ऑन हो जाता है। तो हम इसको एक बार ना रिबूट करके देख लेंगे। काफ़ी टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं और अगर ऑन नहीं होता है तो फिर। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो होता है थोड़ा लंबा होता है, बट आपको मैं नॉलेज जितनी हो सके उतनी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं कटिंग वीडियो बनाता हूँ तो उससे कुछ टेक्नीशियन लोग को ही लगता हो कि ये तो फिर कौन दूसरा फ़ोन आपने डेड फ़ोन दिखाया और फिर चालू फ़ोन से वीडियो बना दिया। तो मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो मेरी लंबी होती है, क्योंकि वो लंबी होने का रीज़न ये है कि मैं कोई भी कहीं भी कोई कटिंग नहीं करता हूँ वीडियो में, डायरेक्ट लाइव बनाता हूँ। जब कोई मेरी दुकान पर हैंडसेट आता है तो उसका मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है तो, क्योंकि हर टाइम वीडियो बनाना भी का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हैंडसेट कस्टमर को डिलीवर करके भी देना पड़ता है, तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो जितना हो सके उसको फुली लाइव, फुल कंप्लीट, कोई भी एडिटिंग कोई कटिंग नहीं इसमें। देखिए फ्रेंड, फ़ोन ऑन होने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मुझे अभी इसको तो उसको रिबूट ही करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को कटिंग करके भी थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग इसको एक बार रिबूट कर लेते हैं। तो पावर की प्रेस रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स अभी जल्दी ऑन हो जाएगा, पहले काफ़ी लेट हो रहा था बट अभी ये जल्दी से ऑन हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम है कि आपका हैंडसेट एंड्रॉयड लोगों पे चलता ही जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिबूट कर देना है फ़ोन को, इससे क्या है
उनका जो सिस्टम होता है जल्दी सेट हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। और वीडियो देखते रहिए एंड तक, ताकि जो मैंने जो रिपेयर किया है वो आपको पता लग सके कि हैंडसेट फुली रनिंग है। इसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, बट हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को बन रही है, थोड़ा सब करिए, फ़ोन हम लोग का ऑन हो जाएगा, इससे आपको भी लगेगा कि हाँ चलो हैंडसेट ऑन हुआ है काम करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, हैंडसेट हम लोग को ऑन हो चुका है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और आपकी जो आपने जो वीडियो देखने के लिए धीरज बना के रखा उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, फुली रनिंग है फ़ोन अभी, तो फ़ोन काफ़ी हैंग कर रहा है, तो हो सकता है हमें इसे सॉफ्टवेयर भी करना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, सेट हम लोग को ऑन हो चुका है, तो काफ़ी स्लो है सेट।